हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए मैं तीन बहुत ही बड़े अपडेट लेकर आया हूं। पहला बड़ा अपडेट होगा आप सभी के लिए जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के, उसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट आया है वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरी बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं आपको पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। साथ ही साथ एक बड़ा सरकार से रिक्वेस्ट की गई है पेंशन को लेकर के, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा जैसे मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, लेकिन सारी जानकारी एक साथ होगी, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे जैसे कि अभी तक दिखाते रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर की तरफ देख लेते हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है, आप जैसे कि स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर जनवरी 2024 में बढ़ोतरी को लेकर के। तो आप देख सकते हैं आगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आगे आने वाले दिन बहुत ही जबरदस्त गुजरने वाले हैं। कर्मचारियों को बस 31 जनवरी का इंतजार रहेगा, इस दिन कर्मचारियों को साल 2024 की पहली गुड न्यूज मिल सकेगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का नया आंकड़ा जारी होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए जो इम्पोर्टेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा होता है, वो मंथ के हर वर्किंग डेज को जारी होता है। तो इस बार वर्किंग डे 31 है, तो उसके बाद जनवरी 2024 से कितना प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों को मिलेगा उस पर मुहर लग पाएगी। अच्छी खबर यह है कि महंगाई भत्ता जो है आपका या महंगाई राहत है 50% मिलना आता है, क्योंकि पिछले आंकड़े तक ही महंगाई भत्ता इसके करीब पहुंच चुका है। रिटेल यानी कि सीपीआई और थोक महंगाई दर में जबरदस्त उछाल से इशारा मिल चुका है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आंकड़े में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ये कन्फर्म हो चुका है कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिल पाएगा, लेकिन अभी 51% मिलने से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी दिसंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े हैं या वो नंबर से अभी आना बाकी है। अगर इंडेक्स में तेज उछाल आता है तो जनवरी में महंगाई भत्ता जो कि डीए का महंगाई भत्ता होगा वो 50.52 तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता 51% भी हो सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और बात करें हम महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के बाद में, 51% से भी अभी मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसमें कई चीजें सारी देखनी अभी बाकी हैं। और ये बिल्कुल आपको 50% आपको डीआर मिलेगा या 51% मिलेगा, इसका अभी अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 31 को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको 30% मिलेगा, आपको 50% आपको डीआर मिलेगा या 51% मिलेगा। लेकिन अगर जो मौजूदा ट्रेंड्स है उसे कंफर्म हो चुका है लगभग कि 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत आप लोगों को मिलने जा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, या बोल सकते हैं कि रिक्वेस्ट की गई है भारत पेंशनर समाज की तरफ से। 5 जनवरी 2024 को एक इम्पोर्टेंट जो है रिक्वेस्ट भेजी गई है मिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जो को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज का है, और भी कई सारे मिनिस्ट्री उनके पास में है। इसके लिए आप सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बोल सकते हैं रिक्वेस्ट की गई है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की तरफ से कि इक्वल पेंशन फॉर ऑल, एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्री 2006 रिटायर्ड बीपीएस 68 एजीएम रिजोल्यूशन नंबर 10, यानी कि 2006 से पहले जो भी पेंशनर्स रिटायरमेंट हुए थे उनको इक्वल पेंशन के लिए उसमें सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि उनकी कई सारी पेंशन में डिस्क्रिमिनेशन है अकॉर्डिंग टू भारत पेंशनर समाज, और उसके लिए ये नोटिफिकेशन लिया गया है। उसमें कई सारी चीजें उसमें ऐड भी की गई हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें पेंशनर्स को सारी जो भी 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं उनको इक्वल पेंशन के लिए सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है, क्योंकि उनके लिए उसमें बहुत सारी चीजें ऐड नहीं हो पाई हैं। इसमें आप ये नोटिफिकेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं, आप इसमें देख सकते हैं। तो पेंशनर्स की तरफ से, भारत पेंशन समाज की तरफ से गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सभी पेंशनर्स की, सभी फैमिली पेंशनर्स की जो इक्वल पेंशन होनी चाहिए, स्पेशली 2006 से पहले के पेंशनर्स की इसमें बात की जा रही है। दूसरी आप देख सकते हैं ये भी लेटर जो है भारत पेंशनर समाज की तरफ से 12 जनवरी 2024 को लिखा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को। आप देख सकते हैं इसमें
पेंशन को जो है इनकम टैक्स से फ्री करने के लिए इसमें एक नोटिफिकेशन एक सरकार से इसमें गुहार लगाई गई है, क्योंकि सबकी पेंशन को आपकी जो भी पेंशन मिलती है या फैमिली पेंशन जो भी मिलती है उस ऑलरेडी वो आपको 50% होती है, 50% आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसके बाद उसमें जो है इसमें 50% के बाद में उसमें आपको फिर इनकम टैक्स लगाया जाता है। तो सरकार से एक हम्बल रिक्वेस्ट की गई है कि पेंशन नीड टू बी इनकम टैक्स फ्री, यानी कि पेंशन को इनकम टैक्स से फ्री किया जाना चाहिए। एक और रिकमेंडेशन सरकार को दिया गया है कि पेंशन, आप सभी को पता है कि आप जब रिटायरमेंट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर द रिकमेंडेशन एंड रियलिटी TCES इन कंसल्टेशन विद द 5th CPC पॉइंटेड आउट ऑन दैट अ पेंशन अमाउंटिंग to 67% of the last drawn salary is necessary for a retiree to sustain their pre-retirement standard of living. However, the ground reality falls short, with pension currently pegged only 50% of the last salary drawn. The gap is not just a statistics; it represents a tangible decline in the quality of life for countless senior citizens. ये भी एक बहुत अच्छा सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि आप सभी को पता है कि आपकी बेसिक पेंशन का 50% ही आपको सैलरी ड्रॉन जो भी सैलरी होती है उसका प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें बोला है कि आपकी जो पेंशन है वो 67% तक बननी चाहिए आपकी बेसिक का। तो ये भी एक अच्छी सरकार से रिक्वेस्ट की गई है, और भी इसमें अलावा कई सारी रिक्वेस्ट की गई है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसको भी रीड कर सकते हैं, और आप अगर ये सब नोटिफिकेशन खुद से रीड करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना है क्या, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, और आप डाउनलोड कर पाएंगे सारी चीजों को यहाँ पर, जितने भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। और अब नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए, उससे काफी हद तक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए काफी बड़ी खबर होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आपको 8वें वेतन आयोग के लिए चर्चा की जा रही है, तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि 8वां वेतन आयोग अभी फिलहाल मिलना बहुत मुश्किल है, या फिलहाल इसके बारे में चर्चा करना भी जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर मीडिया में जो खबरें आ रही है उन मीडिया में खबरों की माने तो आपको 8वें वेतन आयोग की जगह या 8वें वेतन आयोग की जगह जो है फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जा सकती है, उससे भी आपकी पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। सपोज करिए अगर आपकी बेसिक पेंशन में दो टाइप से बढ़ोतरी होती है कि नेक्स्ट पे कमीशन आए या फिर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी हो, तो फिटमेंट फैक्टर अभी आपका 2.57 गुना है, और उसी के बेसिस पर आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन एज वेल एज आपकी सर्विंग एम्प्लॉयज की सैलरी भी फिक्स होती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर जो कि 2.57 है अगर उसको 3.68 गुना तक किया जाए, जैसे कि मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो उन मीडिया की खबरों के अकॉर्डिंग अगर 3.68 गुना तक किया जाए तब भी आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसा भी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। ये सब एक अनुमान लगाए जा रहे हैं या फिर एक नए फॉर्मूले और कोई नए फॉर्मूले पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन जो लोग अभी कह रहे हैं कि 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश होने जा रहा है या 1 फरवरी 2024 में जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें आपको 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ये अभी ऐसा डिसाइड नहीं किया गया होगा, अकॉर्डिंग टू जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा और थोड़ी सी चीजें देखने को भी मिलेंगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की होती है तो उससे भी आपको काफी हद तक बढ़ोतरी होगी, और सैलरी पेंशन और कर्मचारियों की और पेंशनर्स की फैमिली पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि 8वां वेतन आयोग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 से बढ़ा करके 3.68 गुना तक किया जाना चाहिए, उससे भी आपकी काफी हद तक सैलरी और पेंशन